चलो 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 धीरे धीरे चलो, कोना पकड़ के खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के कुत्ते 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 एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते देख लूंगा तेरे को साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई ये औरतें, यहां जानती है कहीं, पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचानने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे कौन अले नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचान, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। टोनी इसको क्या हुआ? अरे टोनी तुम ये क्या? सिस्टर आपने मेरे को पहचान लिया, आपकी नजर का जवाब नहीं है, यू आर ग्रेट। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग, जॉगिंग। जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं गया, कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो ओ, 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 वो कौन है? तर्जन, तर्जन, तर्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लफड़ा देके चला गया। अरे पर मैं उसमें तुम मुंह काहे को काला किया हा? अरे सच्ची बात बताते हुए शर्माती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी, जाके ना धोले। मैंने ये क्या बोलता है, अपना समझ में कुछ नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता है काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है। हमको भी लगता है। आउच! कुछ करो मैं। बकरी यू स्टूपिड, नशा उतरा के और पानी मारने को मांगता है हा? वो क्या है मिसेस डेविड, शाम को कल बल कुछ नहीं, अब बीच यही टाइम को हमारा घर खाली करो, एक मिनट भी इधर रुकने को नहीं मांगता है, और ये लोग पकड़ो अपना पैसा। तुम क्या समझता है हम पैसे का मोहताज है? अरे वो तो टोनी, वो साला टोनी का बच्चा हमारा हाथ जोड़ा, हमारा पाँव में पड़ा कि इसको इधर में रखो, तब जाके हम तुमको रखा, और तुम साला दारू पी के अक्का बस्ती में बम्बा बम करता है। अरे छोकरी का इज्जत क्या बचा, अक्का बस्ती का इज्जत उतारेगा तुम? ठीक 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 बोला सिस्टर, ठीक बोला तुम। इसको आज का अक्का पेपर में हेडलाइन पड़ा इसका, जे इसने रात को दारू पी के बम बम किया है। अरे मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदमी को बस्ते में क्या, बम्बे में नॉन टिकट देना मांगता है। ए तू समझता है क्या अपने आप को? है सिस्टर को हैरान कर, अभी मैं इसका सूटकेस सूटकेस पैक करके लाता हूँ और उसको स्टेशन पे छोड़ के आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। मैं नाटक, तुम किधर में जाता मैन? ये बाल्टी रखेगा, सूटकेस भर के लेके आएगा। साला इडियट, तुम्हारा बाप का राज चलता है, फादर का राज चलता है, जब जिसको मर्जी लेके आएगा, जब जिसको मर्जी लेके जाएगा। हाँ मगर सिस्टर तुमने बोला ना इसको घर में नहीं रखेगा। बोला तो क्या हुआ, ये ऐसा काम काय को करता है? अरे ये हमको मिसेस डेविड, मिसेस डेविड बोलता है, लेकिन हम तो इसको अपना बेटा का माफिक मानता है। और क्या माँ क्या बेटे को गुस्सा नहीं करने को सकता है? मिसेस डेविड बिल्कुल कर सकता है, चाहे तो मार भी सकता है, लेकिन अगर बेटा माफी मांग ले तो? मिसेस डेविड आई एम सॉरी। हमको माफी मत मांगो, तुम सुधा को माफी मांगो। मालूम तुम क्या किया, उसका घर पे बॉटल फेंक के मारा, उसको लग जाता तो भी वो बेचारा छोकरी तुमको इधर में छोड़ के गया। चलो अभी जल्दी से हाथ मुंह धो, जल्दी से जाके उसको माफी मांग के आओ, जाओ। अरे चाई रे चाई, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ राय के तेल जैसा। चाई रे चाई, ओ चाई, चाई रे चाई। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरजी, मैं अजय का दोस्त टोनी। अजय कहाँ है? वो उड़न छू गया, अभी आपके हाथ आने वाला नहीं है, वो गया। क्या मतलब? वो तो मौके की तलाश में था, 1 2 का 4। ए, सीधा सीधा बोल, कहाँ है अजय? हम बताता है ना साहब, जैसे तुम उनका बाप बनकर उनका शादी बनाया, उनको ब्लेसिंग दिया, वैसे हम उनका माँ बनकर उनको हनीमून पे भेज दिया। अरे भाई पूजा पे बैठिए, शगुन का समय निकला जा रहा है, मुझे और भी जगह पूजा पे जाना है। जी पंडित जी। टोनी जरा पंडित जी का टाइम पास कर। ठीक है ठीक है।
पंडित जी नमस्ते। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हम रमाकांत गड़गड़े के पास मिले थे। अच्छा, उनकी पूजा में आपने हवन किया था उनके गैरेज में? अरे कमाल कर दिया, अपने शुभ हाथों से जो हवन किया था आपने। अरे बाप राजू, उनकी 25 हेक्टरी है। अच्छा? हाँ। भाई सब भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कहाँ, भगवान का बड़ा, आपका बड़प्पन है जो भगवान का नाम ले रहे हैं आप। ये जो आपने हवन किया तो भगवान को मनवा के आपने अपना हांडा 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 के यहाँ जो पूजा किया आपने ढाबा में, हैं? पूजा किया आपने, हवन किया, उसके दूसरे दिन ही उसके नीचे एक हांडा मिला, हीरे मोतियों का हांडा। आज पता है कहाँ है वो हांडा? युगांडा। अच्छा? हाँ, वहाँ हीरो हांडा का बड़ा शोरूम बनाया है, वहाँ हवन के लिए बुलाएंगे आपको है ना? बड़ी कृपा है महाराज आपकी। एक टोनी बहुत चालू है, उल्लू बनाता है पंडित को। मैं तो कहता हूँ प्रभु पंडित जी, आप ऐसी कृपा यहाँ कर दीजिए, ऐसा हवन कर दीजिए कि हमारे जो गुरु हैं इनके 25-30 गैरेज हो जाएं। भाई भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। अरे भगवान की तो कृपा है, पर पंडित जी क्या बात है, अरे आपके हाथों में तो शक्ति है, बड़े भाग्यवान है आप। ये देखिए पांच उंगलियां, ये पांच उंगली के बाद ये छठा जो बच्चा है, अरे रे 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 रे, इसको जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ये छठवा है, जैसे क्रिकेट में सिक्सर बोलते हैं, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं दर्द सर। दर्द सर, इसके कारण कभी कभी आपके सर में दर्द भी होता होगा। पंडित जी कमाल है, देखिए पैर छू रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। देखिए आप इतने ऊपर जाएंगे कि किसी को नजर नहीं आएंगे, बहुत भाग्यशाली हाथ है। और देखिए गुरु की गोद में शनि बैठा है, परेशान कर रहा था चला गया, पहले आपका शुक्र मलाड में था, गुरु वर्ली में था, और एक जो मंगल है वो जंगल में था। साहब जी आगे। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आइए सर। सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, आओ। ये दर फाइल पकड़ना। वेलकम वेलकम, कैसा है? अच्छी हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आ जाइए। चलो बैठिए सर, यहाँ जाइए। लो बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या हुआ? रुमाल, रुमाल है? रुमाल आपके पास नहीं? चलो उधर बैठो। अच्छा जी। हाँ जी पंडित जी। जी हाँ। नारायणाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ओम चंद्रमसे नमो नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धवे नमः स्वाहा। ओम शुक्रवे नमः स्वाहा। ओम शनिवे नमः स्वाहा। ओम पूर्णेति पूर्णमिदं स्वाहा। ओम गणानन्त्वः गणपति गुंग वामहे प्रिया। ये क्या कर दिया सर आपने? एक मुजरिम जो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा है, उसका अतीत जला दिया है मैंने। अगर कोई इंसान बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े तो क्या कानून उसे माफ कर सकता है? कानून से बड़ी अदालत आत्मा की होती है, और आत्मा का फैसला हर फैसले से बड़ा और अटल होता है। मैंने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही ये फैसला किया है। भगवान करे तुम्हारा हर काम सफल हो, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। समझा? ले। बड़ा पाव देखो, पूरा काला तेल पाव हो गया ना खुद खाता है ना पीता है ना औरों को खाने देता है, क्या है? चिल्ला मत, जाके दूसरी गाड़ी में देख पेट्रोल है कि नहीं, डिलीवरी देनी है। हाँ देखता हूँ। 7:11 का पाना दे। हेन का टका सो रहा है। हॉर्न बंद कर, हॉर्न बंद कर, हॉर्न बंद कर, हॉर्न बंद कर,
क्या हो गया? क्या हो गया? मैकेनिक मैं कि तू है? पापा जी बात सुनिए, क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या हो गया है, क्या हो गया है? ओ यार ये चटके दे दे के बंद पड़ गई है यार, बंद पड़ गई। मिर्गी खोलो बोनट, खोलो जल्दी, खोलो बोनट, खोलो फौरन, खोलो जल्दी, खोलो। मुर्गी इंजन कहाँ? तो मुर्गी इंजन किधर है? मैं भी हैरान हूँ इंजन किधर है। अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे। मैं खुद चला के लेके आया इसे यार। आप खुद चला के लाए? हाँ जी। जरा याद कीजिए रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप? नहीं यार, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। अरे भाई ये बम्बई है, नजर जरा फिरी तुम इंजन गुल। अच्छा हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा होता ही है। ये गाड़ी किससे ली आपने? ये परसों ली है, विदेशी गाड़ी है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है। परसों ली है? अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है, विदेशी है। शर्मानी चाहिए हम लोगों को, विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे इम्पोर्टेड गाड़ियां। शर्मानी चाहिए आपको, अंग्रेज से ली है। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते फांसी पे चढ़ गए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज पीछे रह गए। हम लोग जिसमें इंजन नहीं है वो इम्पोर्ट गाड़ी है। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडारा घाट में ले जाता, ढकेल देता तू ऐसी गाड़ी पर। अंग्रेज बने हुए हैं, इम्पोर्टेड गाड़ी। हट। ये मैं की कर बैठा, शर्म आनी चाहिए मैंने। तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पूरी गाड़ी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल लिया, इम्पोर्टेड बोल गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है, विदेशी गाड़ी लेके आए। बोले मालूम है कहाँ इंजन, फोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, फोड़ दे। कंटाल गया उस गैरेज से, इन गाड़ियों से पाना वाना, फोड़ दे। ये गैरेज तोड़ दे, तोड़ मां, इंजन दे दे, तोड़ दे तोड़ दे। ओए हां ये रहा इंजन। इंजन कहां से आ भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बाप रे भर गए पापा जी, जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन, न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन। 9 बजे का शो है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे बिगिनिंग नहीं देखेगा तो मजा नहीं आएगा ना। मैं तो कब से तैयार हूँ मिसेस डेविड, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे वो आने वाला नहीं है, लिख लो तुम। अरे सुकान खुजाने का फुर्सत है, तुम बात करता है। ए टोनी, काय को फालतू का बात बोल के हमारा बेबी का दिल दुखाता है। हाँ, अजय ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उसको 9 बजे का पिक्चर दिखाएगा, उसको डिनर में लेके जाएगा, है ना? अरे हाँ। सवाल इतने उठता है क्यों? अरे सिस्टर देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी दिन रात दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक। और जो आदमी दिन रात काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्कहोलिक। वर्कहोलिक, बस अपने गुरु को वर्कहोलिक हो गया है, वो आने वाला नहीं है। अरे कैसा नहीं आएगा? अरे भाभी मेरे को बहुत भूख लगा, पहला मेरे को खाना खिला दो बस। अरे कैसा? अरे रुको, मैं तुम किधर जाता है? किचन में टोनी को खाना देने। उसको हम खाना खिला देंगे। तुम एक बात हमारा ध्यान से सुनो, हमारा जो डेविड था ना वो भी ऐसे करता था, काम में सब कुछ भूल जाता था, सब कमिटमेंट भूल जाता था। हम भी कमती नहीं था, हम भी उसका काम पे पहुंच जाता था और दो चार ऐसा पोज मारता था कि डेविड खल्लास हो जाता था। अरे जल्दी से शटर डाउन करके हमारा साथ में निकलता था। तुम समझ गया ना हम क्या बोलना मांगता? ये मर्द लोग को कंट्रोल में करने का वास्ते थोड़ा दो चार पैर पैतरा मारना मांगता, तुम समझ गया? समझ गई। अरे समझ गया तो खड़ा काय को, जल्दी से जाओ उसका भी शटर डाउन करो। गो मैन गो, जाओ ना। सिस्टर मान गया तुमको, यू आर ग्रेट। थैंक यू थैंक यू।